What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 5th दिसंबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:04 हो रहे हैं। एक दिन पहले एक्सपायरी का दिन और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम, उसके एक दिन पहले हमें निफ्टी इंडेक्स में ज़बरदस्त वोलेटाइल मूव हमें कल देखने को मिला। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आउटकम आने वाला है उसका, एक्सपायरी का भी दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन, तो काफ़ी वोलेटाइल मूव हो सकता है। तो सिंगल लेग के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो मल्टीपल लेग के साथ प्लान करके ऑप्शन ट्रेडिंग आज किया जा सकता है। जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं स्टॉक मार्केट में, आज थोड़ा अवॉइड करें ट्रेडिंग करना, देखें एक्सपायरी के दिन और ऐसे बड़े इवेंट पे मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो आज के निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स होंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 4th दिसंबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपको हमारा कल का वीडियो देखना है तो उसकी लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,006 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,966। तो जैसे कि ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स शुरू में ओपन हुआ और हमारे ब्रेकडाउन लेवल के पास पेनेट्रेट हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ। तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट था हमारा अचीव हुआ और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ मूव हुआ। तो काफ़ी एक रोलर कोस्टर जैसा कल मूवमेंट था निफ्टी इंडेक्स में, और जैसे ही साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,945 भी अचीव हुआ। इसी लेवल के पास सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हुआ और फिर से एक बार इसने ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 12,030 ये भी इसने कल अचीव किया। तो काफ़ी वोलेटाइल डे था कल मार्केट में, और कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक एक शार्प फॉल के बाद थोड़ा रिकवर होते हुए दिखाई दिया, हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन बाजार भी देखे तो कल अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट वहाँ पर रहा, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो तीनों भी जापानीज इंडेक्स, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में इस समय पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट के गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। यह निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट, कल जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि 20 DMA यानी 20 डेज का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि पिंक लाइन हमें यहाँ पर दर्शा रहा है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जब ये 20 EMA के पास आया अराउंड 11,950 के पास, तो यहाँ पर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से इसने एक बाउंस बैक देखा। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बना हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई और लो है इसके नीचे ये करंट कैंडल का हाई और लो है, यानी ये जो फॉल आया है इसका जो डायरेक्शन चल रहा है लोअर हाई लोअर लो का ये कंटिन्यू है। हालांकि यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक जरूर बना है, जो यहाँ से ये करेक्शन आया था इसका प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, इसका रिकवरी हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये 20 EMA यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है, आज एक इवेंट है, उस इवेंट के बाद अगर ये 20 EMA को ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से टूवर्ड्स साउथ की तरफ यहाँ से मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अगर ये जो प्रीवियस लोअर हाई लोअर लो बनाया है इसके ऊपर, यानी 12,068 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो चांसेस होंगे यहाँ से निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार अपसाइड रैली हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये है अभी फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो। वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो लास्ट वीक का हाई और लो है इसके बीच में ही अभी तक ये ट्रेड हो रहा है। 3 ट्रेडिंग सेशन हो गए इस वीक के, लेकिन अभी तक इसने प्रीवियस वीक का हाई भी नहीं तोड़ा है और लो भी नहीं तोड़ा है। तो ये अभी फिलहाल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एज पर वीकली चार्ट, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं।
इन दोनों में से कोई एक लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन मिल सकता है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि किस डायरेक्शन में निफ्टी इंडेक्स मूव करेगा। तो यह फिलहाल वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आज दो बड़े इवेंट्स है, एक्सपायरी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम है। तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। अगर आप टूवर्ड्स अगर ये निफ्टी इंडेक्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो कल का हाई कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए 12,054 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली टारगेट होगा 12,069 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का, R1 का लेवल जो कि 12,086 के पास है। तो ये हमारी नॉर्थ साइड की प्लानिंग है। अगर ये 12,054 को ब्रेक करता है तो इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो काफ़ी रिस्की होगा ट्रेड करना, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। पहला तो ये मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है 50 EMA, फिर 20 EMA, फिर 100 EMA, उसके बीच में पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है। तो काफ़ी सपोर्ट लेवल है, कौन सा सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर काफ़ी रिस्की होगा शॉर्ट पोजिशन बनाना। फिर भी अगर ये पिवट पॉइंट यानी ये तीन लेवल्स ये जो सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं, ये 50 EMA, 20 EMA और ये पिवट पॉइंट, तो पिवट पॉइंट के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है 12,011 के नीचे तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 100 EMA का ग्रे लाइन जो कि अराउंड अभी 11,994 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये अराउंड 11,967, ये S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।